बताएं 55,000 भर्तियां की जा चुकी हैं और बाकी भी तेजी से की जा रही है। 15 अगस्त के पहले 1,00,000 से ज्यादा भर्तियां सरकारी नौकरी में हो जाएगी। भोपाल में सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को लॉन्च कर दिया है। इस दौरान सीएम ने युवाओं को खुशखबरी भी दी। भरे मन से उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2022 को मैंने घोषणा की थी कि 1 साल में 1,00,000 सरकारी भर्तियां की जाएंगी। अब तक 55,000 भर्तियां हो चुकी हैं। इस 15 अगस्त से पहले 1,00,000 से ज्यादा सरकारी भर्तियां कर ली जाएंगी। रोजगार ये बड़ा विषय है और आज मैं आप सबको इसी विषय पर बात करने आया हूं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी हर महीने एक दिन रोजगार दिवस मनाते हैं, रोजगार मेला लगाते हैं। रोजगार बच्चों को चाहिए और रोजगार देने का काम प्रदेश में भी अगर आप देखें तो बेटा बेटियों 4 तरीके हैं। अब मैं वो आपको समझाना चाहता हूं। 1, सरकारी नौकरी में रोजगार। मेरे बच्चों, पिछले 15 अगस्त को लाल परेड ग्राउंड से मैंने घोषणा की थी कि 1 साल में 1,00,000 सरकारी भर्तियां की जाएगी। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है 55,000 भर्तियां की जा चुकी हैं और बाकी भी तेजी से की जा रही है। 15 अगस्त के पहले 1,00,000 से ज्यादा भर्तियां सरकारी नौकरी में हो जाएगी और ये पूरी होगी तो उसके बाद 50,000 पे फिर भर्तियां चालू कर दूंगा। अब सरकारी नौकरियों में भर्ती निरंतर चलती रहेगी। दरअसल सीएम शिवराज ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को अब लॉन्च कर दिया है। इसमें युवाओं को 8 से 10,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। अब इसमें युवा अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयन 7 जून 2023 से और काम सीखने के इच्छुक युवाओं का रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। 15 जुलाई 2023 से युवाओं के आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे और 31 जुलाई 2023 से युवा प्रतिष्ठान ऑनलाइन हो जाएगी। वहीं अगस्त 2023 से अलग अलग प्रतिष्ठानों में युवाओं का प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।